जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 30 अगस्त भी हो चली है और परसों से हम अपने डे वन ऑफ जेईई मेंस एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक चलेगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है। पर दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी चीज ये हो जाती है कि हमें सारे रूल्स, सारे गाइडलाइंस जो भी एनटीए ने रिलीज किए हैं, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या क्या आप अंदर ले जा सकते हैं, क्या क्या आप अलाउड नहीं होंगे अंदर ले जाने के लिए, वो सब जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को रुकने की क्या व्यवस्था होने वाली है, वो लोग क्या करेंगे, हम सैनिटाइजर कैसे ले जाएंगे, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, सारी डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट है जो कल और परसों की वीडियो की है, जिसको आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। तो बने रहिए और देखते हैं हम सारे गाइडलाइंस के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं जो भी एनटीए ने रिलीज किया है। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि एनटीए ने एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके उनको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होने वाली है, एक 9 AM to 12 PM और एक 3 PM to 6 PM। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या कोई ड्रेस कोड बनाया गया है एनटीए की तरफ से ऑफिशियल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, देर इज अ ड्रेस कोड फॉर जेईई मेन 2020। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको अलाउड नहीं है एग्जाम में पहनना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या क्या अलाउड नहीं है आपको एग्जाम में पहनना। पॉइंट नंबर वन, आप लोग ऐसे शर्ट्स जिसमें मोटे बटन हो वो आप नहीं पहन सकते एग्जाम्स में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शर्ट्स जिसमें बड़े बटन हो उन लोगों को, वो सारे शर्ट्स आप नहीं पहन सकते एग्जाम में। पॉइंट नंबर टू, कोई भी शर्ट या लड़कियों के लिए कहें कुर्ते वगैरह जिसके स्लीव्स फुल हैं, फिर से कह रहा हूं मैं, कोई भी शर्ट जिसके स्लीव्स फुल हैं वो भी अलाउड नहीं है जेईई मेंस में पहनना। दो बातें क्या हो गई, एक शर्ट विद बिग बटन्स, सेकेंड अ शर्ट और अ कुर्ता विद फुल स्लीव्स आर नॉट अलाउड इन जेईई मेंस 2020। नेक्स्ट गौर करने वाली बात यह है कि फुटवेयर क्या अलाउड है क्या नहीं है। तो फुटवेयर में ऐसे फुटवेयर जिनके सोल मोटे हैं या फिर जिनके बड़े हील्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे जेईई मेंस में। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे फुटवेयर जिनके सोल्स मोटे हैं या हील्स हैं जिसमें ज्यादा, वो अलाउड नहीं होंगे। तो ये दो बातें हैं जो ड्रेस कोड्स के लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है, नहीं तो एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री शायद न परमानेंट हो, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये हमारी एग्जाम बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ने और कंडक्टिंग बॉडी ऑफ जेईई मेन ने सैनिटाइजेशन का क्या ध्यान रखा है, क्या जिस कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं वो पूरी तरह सैनिटाइज्ड है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। पॉइंट नंबर वन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यू आर अलाउड टू कैरी अ 50 ml बॉटल टू द सेंटर ऑफ जेईई मेन। आप एक 50 ml की सैनिटाइजर की बॉटल अपने साथ एग्जाम में कैरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, जिस भी डेस्क पे बैठते हैं, जो आपका मॉनिटर है, वेब कैमरा है, या जो भी इक्विपमेंट्स है जो आपकी डेस्क पे अवेलेबल होंगे एग्जाम देने के लिए, उनको आपकी शिफ्ट, आपके एग्जाम शिफ्ट से पहले और बाद में दोनों टाइम पे सैनिटाइज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज ऑलरेडी सैनिटाइज होगी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको जाके वहां कुछ सैनिटाइज करना है। सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, वेबकैम, जो भी है, सब कुछ शिफ्ट से पहले और शिफ्ट के बाद दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कैंडिडेट को एक 3-लेयर मास्क दिया जाएगा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये हमारी एग्जाम बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ने और कंडक्टिंग बॉडी ऑफ जेईई मेन ने सैनिटाइजेशन का क्या ध्यान रखा है, क्या जिस कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं वो पूरी तरह सैनिटाइज्ड है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। पॉइंट नंबर वन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यू आर अलाउड टू कैरी अ 50 ml बॉटल टू द सेंटर ऑफ जेईई मेन। आप एक 50 ml की सैनिटाइजर की बॉटल अपने साथ एग्जाम में कैरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, जिस भी डेस्क पे बैठते हैं, जो आपका मॉनिटर है, वेब कैमरा है, या जो भी इक्विपमेंट्स है जो आपकी डेस्क पे अवेलेबल होंगे एग्जाम देने के लिए, उनको आपकी शिफ्ट, आपके एग्जाम शिफ्ट से पहले
और बाद में दोनों टाइम पे सैनिटाइज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज ऑलरेडी सैनिटाइज होगी तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको जाके वहां कुछ सैनिटाइज करना है। सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, वेबकैम, जो भी है, सब कुछ शिफ्ट से पहले और शिफ्ट के बाद दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कैंडिडेट को एक 3-लेयर मास्क दिया जाएगा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा। पॉइंट नंबर 4 पे हम आते हैं कि एवरी कैंडिडेट वुड बी थर्मली स्क्रीन बिफोर एंटरिंग द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। हर कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से टेस्ट किया जाएगा और फिर ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी दरवाजे या कॉन्टैक्ट वाली चीजें हैं, जैसे दरवाजे हो गया, रेलिंग्स हो गई, सीढ़ियां चढ़ने के हैंडल्स वगैरह हो गए, उन सबको लगातार सैनिटाइज किया जाएगा कंडक्टिंग बॉडी द्वारा और सेंटर द्वारा, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैनिटाइजेशन के मामले में द सेंटर वुड बी कंप्लीटली सैनिटाइज ताकि आप लोग बिना किसी टेंशन के पेपर दे पाए। तो बोले सैनिटाइजेशन के बारे में तो बात कर ली, अब हम लोगों को बात करनी है कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी जेई मेंस के सेंटर पे और आप लोगों को क्या क्या अपने साथ लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज, आपको ऑब्वियसली अपना एडमिट कार्ड साथ रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको एक गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, आप लोग एक 50 ml की सैनिटाइजर की बॉटल साथ में रख सकते हैं, आप लोगों को बॉल पॉइंट पेन साथ में रखने हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बॉल पॉइंट पेन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बेसिकली आपको उसकी रिफिल दिखनी चाहिए उस पेन के थ्रू, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, आप एक मिनी बॉटल कैरी कर सकते हैं पानी की, विच शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जिनको हमको साथ में लेके जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो इस बार कंडक्टिंग अथॉरिटी ने किया है, इस बार आपको 5 रफ शीट साथ में मिलेंगी रफ वर्क करने के लिए। पहले ये सिर्फ एक हुआ करती थी, अब आपको 5 रफ शीट्स मिलेंगी रफ वर्क करने के लिए। तो ये 2-3 चेंजेस हैं जो आप लोगों के लिए किए गए हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार आप लोगों के एडमिट कार्ड स्कैन QR कोड से किए जाएंगे, QR कोड रीडर के थ्रू, ताकि कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो कहीं पे भी एग्जाम के टाइम पे, ताकि आप लोगों की सेफ्टी पूरी तरह बनी रहे। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ सजेशंस हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए रिलीज की गए हैं कंप्लीट डिटेल गाइडलाइन के लिए, मैं उनकी समरी आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर 2 स्टूडेंट्स के बीच 2 सीट्स का डिफरेंस छोड़ा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, 2 बच्चे साथ में नहीं बैठेंगे, 2 सीट्स का डिस्टेंस छोड़ा गया है हर 2 कैंडिडेट्स के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेफ्टी के लिए ध्यान रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये बताना होगा कि आपको पिछले 14 दिनों में कोई सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपनी पिछले 14 दिन की मेडिकल हिस्ट्री डिटेल में बतानी होगी, क्या क्या किया गया है। दूसरी चीज, बहुत नोटिस ये किया जाता है कि बच्चे ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं एग्जाम सेंटर के बाद, वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है और वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया गया है। हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कम 6 feet के डिस्टेंस बना के ही रखना है हमेशा। लास्ट वर्ड ऑफ नोट फॉर पेरेंट्स जो एग्जाम सेंटर के बाहर अपने बच्चों का वेट करते रहते हैं, उनको सलाह ये दी गई है कि एग्जाम सेंटर से थोड़ा दूर वेट करें, वहां पे ग्रुप्स बना के और भीड़ में ना खड़े रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके। तो ये 3-4-5 चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ताकि हमारी, आपकी और सारे लोग जो आप एग्जाम देने हैं उनके लिए एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थी सारी गाइडलाइंस, सारे सजेशंस और सारे सेफ्टी रूल्स जो कि सेंटर पे आपके फॉलो होने वाले हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हो, ताकि सारे बच्चों को जो भी अलाउड है, जो भी नॉट अलाउड है, वो पता चले, ताकि ताकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को एग्जाम में कंडक्शन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके हाई हील्स उतरवा लिए जाते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो उनसे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका पूरा एग्जाम मूड खराब होता है। तो आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस वीडियो को 2000 व्यूज मिलते हैं कल तक, तो अगले 2 दिन में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उसको आप कैसे गैस मारे, ताकि आपका सही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1-2-3-4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, बट लॉजिकल गैस मारना हम आपको सिखाएंगे।
2000 व्यूज एंड 100 लाइक्स का टारगेट है कल तक, जिससे कि हम आपके लिए वो फटाफट वो दो वीडियोस और लेके आए हैं जो बची हुई है मैथ्स और केमिस्ट्री की, ताकि आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको भी आप लॉजिकल गेस करके सही आंसर तक पहुंच पाए। तो बी सेफ, बी हेल्दी और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।